हमारी सोशल आइडेंटिटी कुछ नंबर से पहचानी जाती है और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमारे सरनेम के बाद हमारे मार्क्स ही तो पूछे जाते हैं, जो कि एक नंबर ही है। लेकिन जब बात सोशल मीडिया की हो तो सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, हमारी जिंदगी में ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि सामने वाले को अपनी जिंदगी कचरा लगे। और हाँ, इतनी देर से पकड़ के खड़ा हूं, एक लाइक तो कर ही देना, यहां नहीं नीचे। आज हम आए हैं इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर, क्योंकि आधार कार्ड हो ना हो, अकाउंट पे ब्लू टिक जरूर होना चाहिए। अगर आप मेरे कपड़े चेंज देख रहे हैं तो ये मेरी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो जनरेशन गैप है उसे कवर करने के लिए है, और इसके बिना ये मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, सो आई एम कमिंग हियर टू टेक माय ब्लू टिक। या सही सुना आपने गाइस, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, कितने फेक अकाउंट्स बनते हैं मेरे। लास्ट टाइम तो गाइस ऐसा हुआ कि मेरे एक फेक अकाउंट से मैंने एक लड़की को, खैर छोड़िए ना, कुछ और बातें करते हैं। ये हैं ब्लॉगर, जितना कंटेंट उन्होंने अपनी लाइफ में स्विच किया है, इतना तो पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन भी नहीं करते। ओ, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। लेकिन जब बात अंग्रेजी की हो तो वो सिर्फ इनके दिमाग के गटर से निकल के सीधा डिस्क्रिप्शन के कैनवस पर उतरती है। तो आइए सीधा इनसे लाइव चैट करते हैं। खैर छोड़िए, कुछ और बातें करते हैं। ओ, ये कौन है? Who is he? लगता है ये अंकल भी यहाँ ब्लू टिक लेने आए हैं, पर मुझे नहीं लगता है मेरे जितने फेमस होंगे, और मेरी तरह इनके फेक अकाउंट्स भी कहाँ होंगे। कोई टकले अंकल को भी लाइक करता है क्या? ए भाई, इधर कोई आंटी है क्या? ए अंकल, कुकिंग शुकिंग चैनल ना? बात अगर कुकिंग की है तो मैं रोस्ट बहुत अच्छा कर लेता हूँ, वर्सेस वर्सेस खेलना हो तो बता देना। वो 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 वो, अंकल तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर चले गए। वैसे अंकल मैं बता दूं कि मैं ऑन कैमरा आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन कैमरा रखने के बाद आ, आ, आ। ये है सोशल मीडिया के एडिक्ट, ऑफ कैमरा के भूल जाते हैं ये ऑन कैमरा कितने अच्छे थे। अगर आपको वेरीफाइड बैज लेना है तो आपको मेरे जैसा स्ट्रगल करना होगा। वैसे तो मैं कोलैबोरेशन का भी चार्ज करता हूँ, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम के ओल्ड वर्जन जैसे लग रहे हैं, जिसे अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये एडवाइस मैं आपको फ्री में दूंगा। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम पर यूज होने वाली सभी फोटोज में हैवी फिल्टर यूज करें, जिससे कि आप मेरी तरह हैंडसम और डोमिनेटिंग लगेंगे। पॉइंट नंबर टू, जब कभी भी आपको किसी की कार में बैठने का मौका मिले तो आप इंस्टाग्राम पर पिक्चर जरूर पोस्ट करें, इससे आप पैशनेटिंग ट्रैवलर लगेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप किसी का वायरल कंटेंट चुराकर इंस्पायर्ड बाय डैश लिखकर रील्स पर पोस्ट कर सकते हैं, इससे आप इंटेलेक्चुअल क्रिएटर बन जाओगे। पॉइंट नंबर फोर, अगर गलती से भी आपके हाथ में किसी का आईफोन 11 प्रो आ जाए या कोई सा भी बड़ा आईफोन फंस जाए तो आप मिरर सेल्फी पोस्ट करना ना भूलें, क्या है कि आप उससे बहुत रिच लगेंगे। पॉइंट नंबर फाइव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके चाइल्डहुड से लेकर आपके आज तक, आपके प्रेजेंट से लेकर आपके पास्ट तक, आपके एक्स से लेकर आपके नेक्स्ट तक, आपके दोस्त से लेकर आपके दुश्मन तक, आपकी फैमिली से लेकर आपके रिलेटिव तक, आपके हस्बैंड से लेकर आपकी वाइफ तक, सॉरी आपकी इंस्टा आईडी के लिंक प्लीज फॉलो मी लिखकर जरूर भेजें, और हो सके तो उनसे एक ही पिक्चर पर चार पांच कमेंट भी कराएं, इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़े, जो कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर सिक्स, जब आपको लगे कि आप बहुत बोर हो रहे हैं तो आप फॉलो अनफॉलो का गेम भी खेल सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे जैसा फेमस स्टार बनने के लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत तो करनी होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे अंकल। हां, बहुत अच्छे से, और तुम्हारी ऑडियंस ने भी ये सब नोट कर लिया होगा। ओ, क्यों? क्योंकि तुम अभी
लाइव हो। व्हाट? नो 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 ओह शिट। एक मिनट, वैसे तुम्हारे फॉलोवर्स कितने हैं? वैसे अब भी तुम्हें अगर फॉलोवर याद आ रहे हैं तो मैं बता दूं, ये मेरी पहली वीडियो है और तुम्हारी भी।